हेलो फ्रेंड, मैं आपका तारा मेरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें आज आपको बताऊंगा मैं अयोटा ग्राम की एनजीओ के बारे में, जिसमें हम चेस्ट अबडोमन की फुल एनजीओ करेंगे। आपने देखते रहना है, वीडियो के साथ बने रहना है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। पेशेंट का नाम एज सेम हो सकता है बट पेशेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती, इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन जब भी करना है सबसे पहले ध्यान रखना है कि पेशेंट की आईडी ध्यान से डालें। उसके बाद पेशेंट की पोजीशन चेक करनी है, देन प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने करना है ओके। जैसे कि मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोटोकॉल, जो हमारा एनजीओ का प्रोटोकॉल है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे टोपोग्राम। पेशेंट को सारा कुछ बता देना है कि क्या क्या हमने करना है, उसके बाद ही हमने सारा स्कैन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे अभी स्कैन को लोड। स्कैन को लोड करने के बाद थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। प्रेस स्टार्ट का ऑप्शन आया तो इसको हमने करा प्रेस। तो अभी जो सांस रोकने के लिए पेशेंट को बोला जा रहा है, तो हमारा जो लोकलाइजर है जितनी हमने लेंथ इसमें भरी होगी उतना हमारा स्कैन इसमें आ जाएगा। चेस्ट से स्टार्ट हुआ, नीचे अबडोमन, होल अबडोमन इसमें कंप्लीट हो गया है। तो अभी टोपोग्राम था, टोपोग्राम के ऊपर हम प्लान करेंगे चेस्ट प्लस अबडोमन, होल एबडोमन। तो उसके बाद हम इस पे प्लान करेंगे एनजीओ का। तो आपने देखते रहना है कि कैसे हम यूटाग्राम करते हैं। अभी प्लेन, तो अभी मैंने उतना स्कैन ले लिया जितना मेरे को चाहिए, जिसमें हमारी चेस्ट और अबडोमन आ जाए। ठीक है, ये तो स्कैन हम रूटीनली डेली बेसिस पे ही करते हैं, आपको पता भी होएगा। चेस्ट अबडोमन करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अभी हमने प्रेस मूव का ऑप्शन उसको प्रेस करा, तो जिसके कारण जो हमारा टेबल है पेशेंट का वो अपनी पोजिशन पर चला जाएगा। तो हमारा जो स्कैन है वो हमारा हेड से लेकर पैरों वाली साइड में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो प्लेन स्कैन था वो स्टार्ट हो गया है क्रेनियो टू काउडल की ओर से, और ये हमारा मिड चेस्ट, चेस्ट कंप्लीट हो गई है, अबडोमन स्टार्ट हो गया है। अबडोमन में आपको लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, पेल्विस का लेवल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा प्लेन स्कैन था वो हो गया कंप्लीट। तो अभी आपको प्रेस मूव का ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने प्रेस मूव करा, जो हमारा टेबल है वो टॉप पे चला गया है। तो अभी हम इस लेवल पे क्लिक करेंगे कि ताकि हमें आर्च ऑफ एओटा दिखे, तो हम उसी पे प्रीम रिटन लगाएंगे। तो आपने देखते रहना है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ किस लेवल पर मैं लगाऊँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, हमने इसी लेवल पे बस ऊपर वाले में आर्च ऑफ एओटा पे लगाना है। तो इसी में हमने कंट्रास्ट देखना है, अभी मैं पहले रिकॉन कर लेता हूँ ताकि मेरे को इससे भी बड़ी कट मिल जाए। तो पहले जो मेरे कट थे वो 5 mm के थे, तो अभी इसको रिकॉन करके मेरे को 1.5 mm के कट्स मिल जाएंगे। तो अभी जो मॉनिटरिंग है तो हम लगाएंगे इसी लेवल पे। इसमें जैसे हमें कंट्रास्ट दिखा तो मैंने साथ के साथ इसको प्रेस कर देना है। तो मैंने सबसे पहले एनजीओ और बॉडी एनजीओ के नीचे आप देखोगे वीनस, वीनस फेस का मैंने उस हिसाब से फिल कर दिया ताकि जो हमारा टाइमिंग है वो 60 या 65 पर अपने आप ऑटो स्कैन चल पड़े अटीरियल होने के बाद। तो अभी मैं मूविंग प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रेस होने के बाद जहाँ पे हमने प्रेम मीटिंग लगाया उसी लेवल पे हमारा जो स्कैन है स्टार्ट होएगा, उसी लेवल पे टेबल चला जाएगा। ये देखिए आर्च ऑफ एओटा, का कुछ लेवल और कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए ताकि आप साथ के साथ इसको प्रेस कर सको। ठीक है, जो आपने ध्यान रखना है इसमें मेनली है कि मॉनिटरिंग।
प्रे मीटिंग लेने के बाद मीटिंग टाइम आपका कम से कम होना चाहिए, जैसे प्रेस करो और साथ के साथ आपका जो स्कैन है वो स्टार्ट हो जाए। तो अभी मैंने कंट्रास्ट को कनेक्ट करा, कनेक्ट करने के बाद अभी मैं इधर से वाली साइड में आऊँगा, कंट्रास्ट दे दूँगा साथ के साथ, और साथ के साथ मैं अपनी मशीन को स्टार्ट कर दूँगा ताकि हमें जैसे कंट्रास्ट जाए और साथ के साथ दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि उसी लेवल पे जो हमारी मशीन है वो एक एक कट लेना शुरू कर देगी। अभी मैंने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया, थोड़ा सा वेट करा और स्टार्ट कर दिया, मॉनिटरिंग आना हमारे सामने स्टार्ट हो गया है। तो जैसे इसमें हल्का सा कंट्रास्ट दिखेगा तो मैंने साथ के साथ प्रेस कर देना है। इसमें आर जो लगाया था वो बाहर लगाया, पेशेंट की आर्टरीज़ के मैं बीच में नहीं लगाया। तो जैसे मुझे दिखा मैंने प्रेस करा मैनुअली, तो हमारा जो स्कैन है वो स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कैसे भर के आया है। लगाने को हम आर ओ अंदर भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हमने चाहिए, आर्च ऑफ योटा पे चाहिए, ठीक है, डिसेंडिंग में चाहिए, जहाँ भी आपको चाहिए आप उस लेवल पे लगा सकते हो। आप एच यू वैल्यू फिल कर सकते हो, जैसे एच यू वैल्यू पर पहुँचेगा उस लेवल पे तो साथ के साथ स्कैन आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे मैनुअली करना था तो इसीलिए मैंने आर ओ बाहर लगाया है, अंदर वाली साइड में नहीं लगाया है, हवा में लगाया है। जो हवा की वैल्यू वो माइनस में जाएगी, प्लस में नहीं जाएगी, तो इसीलिए जो हमारा स्कैन है वो स्टार्ट नहीं होएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा एनजीओ है वो कैसे करना है। तो इसके साथ के साथ मैंने एक विनस फेस लिया हुआ है, ताकि कभी कभार क्या होता है कि जो ट्रीज हमें दिखती है उसमें, तो साथ के साथ हमारा अर्ली होता है तो उसमें पूरा भर के नहीं आया होता, तो हमें उसमें एक्यूरेट डायग्नोस नहीं बन पाता। तो हम वीनस में करते हैं, वीनस में जो आर्टरीज उसमें कुछ फिल होता है और कुछ वीनस में होता है, तो उसमें हमारा जो डायग्नोस है बन जाता है, ठीक है। तो आपने कभी भी एनजीओ करनी है तो उसके साथ में साथ एक वीनस फेस जरूर लेना है, चाहे वो अबडोमन की एनजीओ है, ठीक है, चाहे चेस्ट की एनजीओ है, चाहे कोई आम लोअर और अपर लिम की एनजीओ है, तो उसमें आपने वीनस फेस लेना ही लेना है। उसमें आपको अर्ली और डिले अटीरियल दोनों मिल जाते हैं। ये अर्ली तो आप करोगे एनजीओ के लिए, डिले अटीरियल आपने उस हिसाब से बढ़ना है ताकि आपका अटीरियल भी आ जाए और बिनस भी आ जाए। तो अभी हमारा जो रिकॉन चल रहा है, हमारा प्लेन का रिकॉन हो गया था, तो अभी बॉडी एनजीओ का रिकॉन चल रहा है, उसके बाद हमारा बिनस का रिकॉन था, ठीक है। होने के बाद तो आपको मैं पोस्ट प्रोसेसिंग भी थोड़ा बता देता हूँ, आपने देखते जाना है इसमें मैं कैसे सीमस में बोन है जो उसको रिमूव करके आपको आर्टरीज दिखाऊंगा कितने अच्छे से, जिसमें हमारा आयोटा ग्राम बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। आपने देखते रहना, वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है तो आपको भी अच्छा लगेगा लाइक करने के से, क्योंकि मेरे चैनल की और वीडियो आपके सामने आती रहेगी।